हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं टेक ग्रिप। आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इंस्टाग्राम से जुड़ी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइस इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं और आप इंस्टाग्राम पर किसी से कॉल करते हैं या किसी आपके फ्रेंड्स की आपके सामने कॉल आती है लेकिन आप उसको रिसीव नहीं कर पाते और आप देखना चाहते हैं अपनी कॉल हिस्ट्री को, लेकिन गाइज आपको नहीं पता है किस तरह से आप अपनी कॉल हिस्ट्री देख सकते हैं या फिर आपको कॉल हिस्ट्री शो नहीं हो रही है, तो गाइज आप किस प्रकार से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे वही सब मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो पर, आपको बता देते हैं किस प्रकार इस कॉल हिस्ट्री को आप देख पाएंगे। उसके लिए गाइज यहाँ पर हो सकता है कि आपने एक छोटी सी सेटिंग को स्विच कर रखा, वो सेटिंग कौन सी है गाइज चलिए बात कर लेते हैं। आपको क्या कर लेना है, जैसे ही आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं बॉटम पर आपको एक प्रोफाइल पिक्चर होगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको थ्री लाइंस पर क्लिक करना है जो राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको शो होते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, आपको यहाँ सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा कुछ इस तरह से, तो आपको यहाँ पर अकाउंट वाला एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसके बाद इस तरह की काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है तो आपको यहाँ पर स्विच अकाउंट वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप नीचे देख सकते हैं स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट जहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है। अगर आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर स्विच हो रखा है या फिर बिजनेस अकाउंट के अंदर स्विच हो रखा है तो आपको यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको अपने अकाउंट को स्विच टू पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही आप यहां से स्विच टू पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे तो गाइज आपको यहां से बैक आना होगा और उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में आना है, जो आपका इंस्टाग्राम है उसको क्लियर कर देना है। अब आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है और गाइज आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ जो मैसेंजर वाला आइकन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना है गाइज, यहाँ से अगर आप किसी की कॉल हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप गाइज अकेले अकेले तो इस तरह से देख सकते हैं, अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं कि मैंने किसी बंदे को कॉल किया था तो गाइज आपको यहाँ पर कैमरे वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऊपर ही, आपको इस पर टैप कर देना है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं 17 मिनट आगे मैंने इस बंदे को कॉल किया था, लेकिन गाइज क्या हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने इंस्टाग्राम को अपडेट नहीं कर रखा है तो उनको यहाँ पर मैसेज के बाद कॉल्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन मैंने अभी कुछ ही मिनट्स पहले अपने इंस्टाग्राम को अपडेट किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, यहाँ पर कॉल वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे यहाँ कैमरा पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कॉल्स वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है और गाइज आप यहाँ रिसेंट्स में आप देख सकते हैं हमारी कॉल हिस्ट्री यहाँ पर शो हो गई है। तो गाइज इस प्रकार से जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो जाता है और आपको यहाँ पर कॉल हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।